वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिकेट अड्डा। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हरमनप्रीत की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका में चल रहे बीमेंस टी20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज़ पर 6 विकेट की आसान जीत दर्ज की। यह भारत की टी20 क्रिकेट में वेस्टइंडीज़ पर लगातार 8वीं जीत है। यह भारत की इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम सेमीफाइनल के करीब पहुँच गई है। भारत का अगला मुकाबला 18 फरवरी को इंग्लैंड से होगा। केपटाउन के मैदान में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 118 रन बनाए। टीम की ओर से स्टेफनी टेलर ने सबसे ज़्यादा 42 रन बनाए, जबकि सैमाइन कैम्बेल ने 30 रन का योगदान दिया। वहीं कप्तान एली मैथ्यूज 2 रन जल्दी आउट हो गई। दीप्ति ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए। वे प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। जवाब में टीम इंडिया ने 4 विकेट खोकर 19वें ओवर में जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। कप्तान हरमनप्रीत कौर और ऋषा घोष की 68 की साझेदारी ने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। दोनों ने 4वें विकेट के लिए 72 रन जोड़े। कौर ने 33, ऋषा घोष ने 44 रन बनाए। वेस्टइंडीज की ओर से करिश्मा रामहरख ने 2 विकेट लिए, जबकि हैली मैथ्यूज और चिनेल हेनरी को 1-1 विकेट मिला। वेस्टइंडीज ने भारत को 119 रन का टारगेट दिया। भारतीय टीम की ओर से स्पिनर दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। उनके टी20 इंटरनेशनल में 100 विकेट हो गए। दीप्ति ने आफिफ फ्लेचर 0 रन, स्टेफनी टेलर 42 रन और शेमाइन कैम्बल 30 रन के विकेट लिए। दीप्ति के अलावा रेणुका और पूजा बस्तकार 4 रन पर ही पहला विकेट गंवाने से वेस्टइंडीज की शुरुआत धीमी हुई। स्टेफनी टेलर और शेमाइन कैम्बल ने पावर प्ले में महज 29 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज के विकेट ऐसे गिरे। पहला, दूसरे ओवर की पहली बॉल पर पूजा बस्तकार ने हैली मैथ्यूज को ऋषा घोष के हाथों कैच कराया। दूसरा, 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर दीप्ति ने कैम्बल को स्मृति मंदाना के हाथों कैच कराया। तीसरा, 14वें ओवर की आखिरी बॉल पर दीप्ति ने स्टेफनी टेलर को LPW कर दिया। चौथा, 15वें ओवर की दूसरी बॉल पर स्मृति और ऋचा ने हेनरी को आउट रन आउट कर दिया। पाँचवा, 19वें ओवर की आखिरी बॉल पर सबिका को रेणुका ने बोल्ड किया। छठा, 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर दीप्ति ने प्लेयर को बोल्ड कर दिया। ओपनर शिवाली वर्मा और स्मृति मंदाना ने टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाई। भारतीय टीम ने शुरू के 2 ओवर में 28 रन बना डाले। हालांकि ये जोड़ी ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। मंदाना ने 32 रन के टीम स्कोर पर पवेलियन लौट गई। वहीं शिवाली वर्मा ने 28 रनों की पारी खेली। भारत के विकेट ऐसे गिरे। पहला विकेट करिश्मा रामहरख ने 4वें ओवर की तीसरी बॉल पर स्मृति मंदाना को विकेट कीपर के रजदा विलियम्स के हाथों स्टंपिंग कराया। दूसरा, 4वें ओवर की 15वीं बॉल पर हैली मैथ्यूज ने जेमिमा रॉड्रिग्स को कैच एंड बोल्ड कर किया। तीसरा विकेट, शेफाली बड़ा शॉट खेलना चाहती थी लेकिन रामहरख की बॉल पर स्क्वायर लेग में एफी फ्लेचर को कैच दे बैठी। चौथा विकेट, 18वें ओवर में हेनरी की बॉल पर कप्तान हरमनप्रीत कैच आउट हुई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा।